दोस्तों, दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर्स और बड़े बड़े जितने भी मास्टरमाइंड हैं, वो एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब हमेशा ढूंढते रहते हैं। और वो सवाल है कि आखिर एलियंस को हमें कहाँ जाके ढूंढना चाहिए, या एलियंस के मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ है। इस सवाल के ऊपर बहुत सारे स्पेकुलेशंस होते हैं, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। लेकिन हार्वर्ड के एक प्रोफेसर मिस्टर अब्राहम लोएब ने इस बात के ऊपर अपने विचार रखे, और उनके अनुसार अगर आप जल्दी से जल्दी एलियंस को ढूंढना चाहते हैं और एलियंस की टेक्नोलॉजी को ढूंढना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चांद पर लैंड करना है और आपको वहाँ पर एलियंस के फॉसिल्स या एलियंस की मैकेनिकल या बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। इस स्पेकुलेशन के पीछे उनका लॉजिक ये है कि जैसे चांद धरती के चक्कर लगाता रहता है, तो चांद अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहुत सारी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को धरती पे गिरने से रोकता है, जिसके कारण चांद की सतह में बहुत सारे क्रेटर बने हुए हैं, बहुत सारे इंपैक्ट साइट बने हुए हैं, और इसी चीज़ के चलते धरती पे जीवन संभव हो सका है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर कभी हमारे इतिहास में, कभी आज से हज़ारों लाखों साल पहले, अगर कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट धरती की तरफ आ रहा होगा, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि चंद्रमा ने उसे अट्रैक्ट कर लिया हो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वो वहाँ पे फोर्स लैंड करना पड़ा हो, या फिर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया हो। और चूँकि वहाँ चांद में कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई बारिश नहीं होती है, या वहाँ हवा नहीं चलती है, इसलिए वहाँ पे क्रैश हुई जो साइट है, जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे गिरे होंगे, वो वैसे ही के वैसे आज भी रखे होंगे, और वो सिर्फ अपने ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये तो फ्यूचर की बात है कि चांद में कोई एलियन है या नहीं है। wikipedia.org एक ऐसी वेबसाइट है जो कि दुनिया भर के एकेडमिक्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क लिखने के लिए मदद करती है, वो भी फ्री में। लेकिन आजकल जितने स्टूडेंट होशियार होते जा रहे हैं, टीचर्स भी उतने स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। टीचर्स जानते हैं कि विकिपीडिया में किस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, और वो इस बात का पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि स्टूडेंट ने वाकई में मेहनत करके रिसर्च किए या विकिपीडिया से सीधे सीधे छाप लिया है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी वेबसाइट सामने आई है जिसका नाम है m-journal.org, जो कि किसी भी विकिपीडिया पेज को लेकर के उसको इस तरीके से फॉर्मेट कर देती है, उसको इस तरीके से तैयार कर देती है कि जो आउटपुट पेज होता है, जो आउटपुट पेपर होता है, वो इस तरीके का लगता है कि जैसे कि स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हो उस आर्टिकल को बनाने में। और इस वेबसाइट के कारण टीचर्स भी और अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इतना अच्छा रिसर्च पेपर स्टूडेंट्स ने आखिर बना कैसे लिया। दोस्तों, अभी हम कुछ देर पहले एलियंस के बारे में बात कर रहे थे, और अगर हमें एलियंस के बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट जानना है तो हमें चलना पड़ेगा चाइना में, क्योंकि चाइना ने कुछ दिनों पहले अपने रिमोट लोकेशन में एक 500 मीटर बड़े टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया है और उसका यूज़ भी शुरू कर दिया है। ये शायद दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक है, क्योंकि इसकी जो डायमीटर है वो लगभग 500 मीटर या लगभग आधा किलोमीटर है, और इसको बनाने में कई लाख एल्युमिनियम के पीसेस लगे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस टेलीस्कोप को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि इस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे रिजल्ट सामने लेके आए हैं जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं थे। चाइना के वैज्ञानिकों ने इसी टेलीस्कोप की मदद से कुछ साल पहले 2017 में 200 नए पल्सार स्टार्स को खोजा था, जबकि पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता था कि सिर्फ 2000 पल्सार ही स्पेस में मौजूद है जिनको हम देख सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप साइज में भी बहुत बड़ा है और इसका जो है पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर ये दुनिया का नंबर वन बड़ा टेलीस्कोप है, तो दूसरे नंबर का जो टेलीस्कोप है वो है एरेसीबो टेलीस्कोप, जो कि प्योर्टो रिको में मौजूद है। अगर आपने कभी एरेसीबो एलियन मैसेजेस के बारे में सुना है, तो ये एरेसीबो वर्ड है वो एरेसीबो जगह के नाम से ही आता है जहाँ पे ये एरेसीबो टेलीस्कोप मौजूद है। अब आइए दोस्तों, ज़रा स्पेसएक्स के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि इलॉन मस्क हमेशा से इस बात को लेकर अडिग रहे हैं कि वो मार्स पे जाके मरना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ ऐसे रॉकेट्स को तैयार कर रहे हैं जो कि हमको मार्स तक लेके जा सकें। और उनका ऐसा मानना है कि वो अपने नए रॉकेट में, जिसका नाम स्टार हो पा रहे, उसमें कम से कम 100 लोगों को लेकर के जा सकते हैं। अब चूँकि स्पेसएक्स को इलॉन मस्क चला रहे हैं, तो इलॉन मस्क के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि आखिर इस रॉकेट के अंदर एनर्जी को कैसे यूज़ किया जा सकता है। टेस्ला कंपनी भी
भी एलोन मस्क ही चलाते हैं और टेस्ला जो है अपनी हाईली एफिशिएंट बैटरीज के लिए जाना जाता है। इसीलिए एलोन मस्क ने सोचा है कि क्यों ना इन इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज को जो कि दुनिया में इकलौता प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे बैटरीज माने जाते हैं, उनको क्यों ना स्टार हॉपर रॉकेट में यूज किया जाए। फ्यूचर में इलॉन मस्क का प्लान है कि हमें मार्स में जाना है और मार्स में जाके कॉलोनी बसानी है। खैर, मार्स में जाके रहने का प्लान सिर्फ इलॉन मस्क का नहीं है, दुनिया भर के और भी बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे मास्टरमाइंड इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे हमें फूड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि धरती से भेजे जाने वाली सप्लाई तो लिमिटेड होगी, लेकिन बार बार यहाँ से खाने को वहाँ तक भेजना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल या सस्टेनेबल प्लान नहीं होगा। तो वैज्ञानिकों को एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मार्स की धरती पर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सके, जैसे कि हम धरती पे करते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी कई सालों से रिसर्च चल रही है और वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि अगर वहाँ पे जाने वाले लोग और वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है एक लंबी रिसर्च के बाद में कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, अगर वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, लैब में पेट्री डिश में तैयार किए गए आर्टिफिशियल मीट और इन दोनों चीज़ों के अलावा अगर बेसिक प्लांट्स के ऊपर जिंदा रह सकते हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि हम वहाँ पे कॉलोनी को बसा सकते हैं और कई सालों तक वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेन्यू तो तैयार हो चुका है कि वहाँ पे जाने वाले लोग क्या खाने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ को कैसे सस्टेन किया जाएगा, वहाँ पे लैब में आर्टिफिशियल मीट को कैसे तैयार किया जाएगा, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इन रिसर्च के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। दोस्तों, आइए जरा नाइट विजन के बारे में बात करते हैं। आपने अक्सर सोल्जर्स को देखा होगा कि रात में उन्हें देखने में तकलीफ होती है कि दुश्मन कहां से आ रहा है, इसलिए वो नाइट विजन कैमरे का यूज करते हैं। आप अंधेरे में चीजों को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि आपकी आंखें कम रोशनी को देखने के लिए सेंसिटिव नहीं होती हैं। इसलिए ये कैमरे क्या करते हैं, इसमें अगर थोड़ी सी भी रोशनी एंटर होती है तो वो उसको इंटेंसिफाई करके आपको दिखाते हैं और इनकी मदद से आप अंधेरे में भी देखने लगते हैं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इन सोल्जर्स को इन भारी भरकम गॉगल से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे इंजेक्शन तैयार किए हैं जिनमें कुछ ऐसे स्पेशल नैनो पार्टिकल्स मिले हैं, जिन इंजेक्शन को अगर आंखों में लगाया जाएगा तो ये रात में सेंसिटिव हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को आंखों में लेंगे और इसकी मदद से सोल्जर्स रात में भी, अंधेरे में भी, कम रोशनी में भी लोगों को देख सकते हैं और ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गूगल के क्वांटम कंप्यूटर की। ये बात सभी लोग जानते हैं कि कन्वेंशनल कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी कि क्वांटम कंप्यूटर की होगी, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एटॉमिक लेवल पे जाकर के एटम्स को कैलकुलेट करता है, जिसके कारण उसकी जो स्पीड है वो कई मिलियन टाइम्स फास्टर होती है किसी भी कन्वेंशनल कंप्यूटर से। लेकिन अभी क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक थ्योरी में था और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल यूज़ किया जाएगा। गूगल ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें गूगल ने बताया है कि गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है जिसका नाम साइगा मोर है, उसने सुपर मैसी हासिल कर ली है और उसने एक ऐसे कैलकुलेशन को पल में अंजाम दे दिया है जिस कैलकुलेशन को हमारे कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर को करने में लगभग 10,000 साल लग जाते, उसको इतने बड़े कैलकुलेशन को कुछ ही समय में पूरा कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी है, क्योंकि अभी तक क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ थ्योरी पे चल रहा था और उसको अभी सक्सेसफुली पूरा करने का दावा किसी ने नहीं किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो गीगा बाइट्स में, उनकी जो है वो क्लॉक्स होती है, उनका जो सीपीयू क्लॉक्स होता है वो गीगा बाइट्स में होता है, लेकिन गूगल के पास में जो क्वांटम कंप्यूटर है वो 53 क्यूबिट्स में है, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल है। लेकिन इसके साथ में ये बात भी कही जा रही है कि ये जो सुपरमैसी गूगल ने हासिल की है क्वांटम कंप्यूटर की, इसका प्रैक्टिकली अभी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई भी टेस्ट केस, कोई भी ऐसा यूज़ केस या हमारे पास में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर काफ़ी ना हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ इस तरीके के स्पेस से जुड़े हुए कैलकुलेशंस हमारे पास में आए, जिस प्रॉब्लम को लेकर के कभी वैज्ञानिक गूगल के पास में जाएंगे और गूगल से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, तो हो सकता है उस वक्त ये जो क्वांटम कंप्यूटर है इसका कुछ काम आए।
तो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से आज की कौन सी साइंटिफिक न्यूज़ आपको अच्छी लगी? अपने मूल्यवान कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने आइडियाज़ हमारे साथ में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर तो फ्रेंड्स, अगर आपको साइंटिफिक न्यूज़ में, इनोवेशन में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेके आते हैं ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियोज़ डेली सिर्फ आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।